मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। अभी टाइम है 7:30 और आज वर्षा दीदी को नहीं आना है ना, तो मैं बस यहाँ पर अंदर अब जा रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर वॉक की, और अब मैं जा रही हूँ अंदर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी क्योंकि आज वर्षा दीदी को नहीं आना है। ये पेपर न्यूज़पेपर ऐसे फेंक जाता है, उसको रख देती हूँ अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है तारीख 13 फरवरी और ये सुबह मॉर्निंग से आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो अंदर रख लेती हूँ, ऐसे फेंक कर चले जाते न्यूज़पेपर वाले। और जैसा कि मैंने बताया, आज वर्षा दीदी को नहीं आना था, उनने छुट्टी ली थी तो बस यहाँ पर वो नहीं आ रही हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी सबसे पहले तो मैं क्लीन वगैरह कर लेती हूँ ड्राइंग रूम वगैरह, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा मैसी सा हो जाता है। तो पहले तो मैं ये सोफे को पूरे साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। ये सब काम वर्षा दीदी करती हैं बट उनको नहीं आना था, तो मैंने बोला चलो मम्मी और कुछ कर रही थी, मैंने ये सब कर लेती हूँ। और ये देखिए फ़ोटो भी लगी हुई है सामने मेरी और इनकी, इन्हों ये अंकित दीदी ने हम लोग को गिफ्ट में दी थी, मैंने पहले भी बताया आप लोग को, वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था दीदी ने, उस टाइम पर यहीं पर थी दीदी। तो यहाँ पर क्लीन करने के बाद, सब जगह क्लीन करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आ रही हूँ अभी मैं किचन में। तो यहाँ पर ये दही मंगाया था हम लोग ने, मार्केट का दही है, तो ये रखा हुआ बहुत खट्टा था, तो हम लोग सोच रहे थे कढ़ी बना लेते हैं, तो इसे ये गंजी में निकाल लूँगी। और ये चाय भी चढ़ा दी थी, अभी ये उठे नहीं थे तो उठ गए हैं, तो इनकी चाय चढ़ गई है, चाय में बॉयल अच्छे से आगे मतलब अच्छी पक गई है चाय, तो इनको दे देती हूँ मैं चाय। और मैं क्या बोल रही थी, कढ़ी बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मुनगे घी की कढ़ी, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, तो इसकी रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कढ़ी कैसे बनते हैं, कई लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि इसकी रेसिपी शेयर करना, तो चलिए मैं बताती हूँ आज की कैसे बनाते हैं। तो बाजार वाला दही बहुत खट्टा था, तो क्या मम्मी ने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है तो उसका टेस्ट अजीब सा हो गया था, तो थोड़ी देर बाद बनाएंगे थोड़ा एक सा हो जाए। तो मम्मी ने बोला थोड़ी देर रुक जाओ जब तक सब्ज़ी वगैरह कर लो काम, तो इसको मैंने रख दिया है। तो जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह काट लिया है, मैंने ये बरबटी बना रही हूँ, कढ़ी के साथ बरबटी बहुत अच्छी लगती है, तो ये इसको जब तक काट कर रख लिया तो सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी बना रही हूँ अब, इसे अच्छे से मथ लेती हूँ, इसमें डाल देंगे सारे मसाले, मैं मठे में ही सारे मसाले डाल देती हूँ। और यहाँ पर दूध भी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, सुबह आता है दूध। तो और कपड़े वगैरह भी रखे हुए थे तो उसे भी घड़ी करना था, ये सब भी घड़ी कर लिया है। और जब तक कढ़ी का जो दही है वो भी एक सा हो जाएगा, तो ये कपड़े वगैरह मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। अब जिसके कपड़े हैं उसको वहाँ पर रख देती हूँ। ये मेरी सूट हैं जो कि मैं अभी इसे प्रेस के लिए भेजूँगी, तो यहाँ पर देख सकते हो कढ़ी के लिए मैंने बताया था, थोड़ी देर बाद फिर मैं इसमें मठे में डाल रही हूँ दही में। हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दिया, धना पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया है और बेसन डाल दूँगी 2-3 चम्मच, और बस इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मथानी से मत लेना है, और मथने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी। आप देख सकते हो इसमें मथानी से मत लोगे ना तो बेसन में जो गिल्टियाँ होंगी मतलब वो नहीं होंगी, तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से मत लिया है। और आप देख सकते हो बाजार वाला दही है ना, तो इसमें झाग काफ़ी आ रहा है। तो अब करना क्या है, आपको कढ़ाई में बनाना है तो कढ़ाई में बनाओ, गंजी में बनाना है तो गंजी में बनाओ कढ़ी, हम लोग गंजी में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लिया है, 2 चम्मच क्या 1 चम्मच लिया है शुद्ध घी, तो इसे अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसमें डाल देंगे ये लाल मिर्च 2 और हींग और जीरा 2, इसी में घी में, घी अच्छा गर्म हो गया इसके बाद ये मैंने डाल दिया है। फिर इसके बाद जो मैं बैटर बना कर रखा है इसको इसी में ऐड कर दिया है, मीन्स दही वाला जिसमें मसाले वगैरह सब कुछ डाला है इसी में ऐड कर दिया है। बस इसे कंटिन्यू चलाते जाना है, अदरवाइज ये नीचे से लगेगा और फट जाएगी कढ़ी अगर आप नहीं चलाओगे तो इसलिए चलाते ही रहना है।
तो देखो आप कलर देख सकते हो अच्छे से हो गया है। जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद भले ही मत चलाओ, लेकिन जब तक बॉईल नहीं आती है कढ़ी में तब तक चलाते जाओ वरना वो फट जाएगी। तो देख सकते हो बॉईल हो गई है और इसमें अच्छे से पकने के बाद इसमें मैं डाल दी हूँ ये मुनगे। मुनगे को काट कर छील लिया है और इसे बस थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, बहुत जल्दी पक जाता है मुनगा। तो कढ़ी भी बन गई है और ये देखिए साथ में मम्मी बाहर से टमाटर तोड़ कर लाई थी। ये हमारे घर पर ही लगे हैं बैंगन और टमाटर, कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे थे इस टाइम पे तो मम्मी लेकर आई हैं। तो हम लोग इसे सलाद में खाते हैं, मतलब घर के टेस्टी टेस्टी टमाटर। और ये सब चीज़ मिर्ची भी घर की ही है और मैंने प्रेस वाले कपड़े भी भिजा दिए थे सुबह, तो ये शाम को प्रेस होकर आ गए हैं। तो मैंने सूट वगैरह जो घड़ी कर रखे थे अपने, तो ये भी मैंने प्रेस के लिए भेजा था, तो सुबह भेजा था, शाम को इतनी जल्दी होकर आ भी गए हैं। और ये सब सारे कपड़े मैं रख देती हूँ, पापा के कपड़े पापा वाले में, इनके कपड़े इनके में। और बस इसी तरीके से हमारा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। तो चलिए जी यहाँ पर रख देती हूँ, इनके कपड़े इनके में रख देती हूँ और अपने सूट अपने में रख देती हूँ। इस तरीके से मैंने अलग अलग बना। तो इस चेयर में बहुत सारे कपड़े रखे हैं जो कि मैं इसे बैठ के अंदर रखने वाली हूँ। एक्चुअली क्या इसमें कोट वगैरह हैं, जैकेट वगैरह हैं, ठंड वाले कपड़े हैं, मेरे कोट हैं। देखिए मैंने इसे पैक करके रख दिया, ये कोट मैंने जबलपुर से लिया था अभी इसी साल गौरव की शादी के टाइम पे। तो यहाँ पर रख रख ही ख़राब हो रहा था, तो इन्होंने बोला और जगह भी नहीं थी, तो इन्होंने बोला कि बैठ के अंदर रख दो, तो ये सारे कपड़े बैठ के अंदर जाएंगे। एक्चुअली इस वाले कवर्ड में इनके कोट वगैरह रखे थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा था, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो एक्स्ट्रा कपड़े जो यूज़ नहीं होना है अभी, तो वो हम लोग निकाल कर इसे बेड पर रख देंगे, बेड के अंदर रख देंगे। तो इसलिए ये कल से निकला हुआ है, अभी मेरे से अकेले बन नहीं रहा था बेड खोलते, क्योंकि गद्दे बहुत भारी हैं। जब ये आ जाएंगे ना तो इनसे बोलूँगी कि आप क्या बोलते हैं खोल दो, तो मैं जमा दूँगी। और ये देखिए ये जीन्स टॉप हैं, अभी मैंने निकाला था, ये मेरे जीन्स टॉप हैं। तो ये रखे थे, मैंने बोले ये भी मेरे काम के नहीं है अभी, तो इसको भी अंदर ही रख देती हूँ। सो गाइस आप लोग के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, अभी डाइट प्लान निकला हुआ है, अलीसा गुप्ता है, मैंने इनसे डाइट प्लान लिया था कुछ टाइम पहले, काफ़ी अच्छा डाइट प्लान देती हैं ये। 3 मंथ्स का अभी ऑफर निकाला है इन्हें, नवरात्रि स्पेशल, तो 1600 रुपये में 3 मंथ का रहेगा डाइट प्लान। आपको बहुत ही इजीली इसमें वेट लॉस हो जाएगा। जो भी इनका लिंक है, जो भी कुछ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हो जिन्हें भी वेट लॉस करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, देर किस बात की।